हेलो नमस्कार, मैं हूँ रोशन मिश्रा और स्वागत करता हूँ आप सबों का फेवरेट यूट्यूब चैनल और मैथ्स विथ रोशन मिश्रा में। आज टारगेट बैच फॉर एबीपीएस क्लर्क का पहला क्लास है और पहला क्लास हमारा जो होगा वो कैलकुलेशन को समर्पित होगा। किसको? कैलकुलेशन को। बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है, कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, किस तरह से फास्ट सोचे। सोचना बहुत ज़रूरी है, माइंड से कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है बिना पेन और पेपर का। तो आज उसी कड़ी में कैलकुलेशन का आज मैं पहला क्लास ले रहा हूँ, तो देखिए कि किस तरह से हमें कैलकुलेट करना चाहिए। सबसे पहले मैं देखूंगा स्क्वायर। कैलकुलेशन में भी हमें क्या देखना है, आज सबसे पहला जो काम है वो है स्क्वायर देखने का। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे किया जाए, स्क्वायर कैसे किया जाए, ठीक है। चलिए तो देखिए, कुछ संख्या मैं लेता हूँ, मैं आपको तरीका बताऊँगा, आप गौर करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट में भी हम लोग निपटेंगे इसे, ज़्यादा मैं इसे लंबा नहीं खींचूंगा। कोई भी संख्या, देखो ध्यान से, कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट वन है, कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट वन है, यहां से मैं लेता हूं, कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट वन है उसका कैसे स्क्वायर किया जाएगा। यूनिट डिजिट वन है उसका कैसे स्क्वायर किया जाएगा सीखना है। जैसे देखो 21 का स्क्वायर करना है हमें, 41 का स्क्वायर करना है, 71 का स्क्वायर करना है, 91 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें 21 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर सीखना है। तो देखो 21 का स्क्वायर का क्या पैटर्न है, अगर यूनिट डिजिट 1 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, उसका क्या पैटर्न है, पहले पैटर्न को समझो, फिर धीरे धीरे हम लोग दिमाग में सोचेंगे। देखो तो 20 का स्क्वायर, देखो 20+1 है तो 20 का स्क्वायर प्लस 20+21, 20² + 20+21। पैटर्न को समझना, 40 का स्क्वायर है तो 40 का 1 का स्क्वायर है तो 40 का स्क्वायर प्लस 40+41। अभी पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा, बोलो आया कि नहीं आया। 71 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर प्लस 70+71, ठीक है। तो पैटर्न आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर 121 का स्क्वायर देखना है तो क्या हो जाएगा, 120 का स्क्वायर प्लस 120+121। आप समझ पा रहे हैं तरीका। और जब हम इसे कर लेते हैं, जब एक बार पैटर्न समझ लेते हैं फिर ऐड करना होता है। तो देखो ध्यान से, 20 का स्क्वायर 400 होगा, 20 का स्क्वायर 400, 400+20+21 यानी 441, ओके। 41 का स्क्वायर करना है, 40 का स्क्वायर प्लस 40+41 तो 40 का स्क्वायर होगा 1600, और 40+41 यानी 81, तो 1681, 1681, ठीक। 71 का स्क्वायर करना है, 71 का स्क्वायर करना है तो 71 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 70 का स्क्वायर प्लस 70+71 तो 70 का स्क्वायर हो जाता है 4900, 4900, 4900, ध्यान से देखना, 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900 एंड 70+70, पहले 70+70 करो 140, बाद में 1 को ऐड करेंगे। तो 4900 में अगर हम 140 ऐड करते हैं तो 5040 यानी 5040, और यहाँ पर 1 बच गया था तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 5541 यानी 5041, ओके। 91 का स्क्वायर करते हैं, सोचो, सोचने का कोशिश करो, लिखने का नहीं है अभी, अभी एकदम सोचने का कोशिश करो। 91 का स्क्वायर करते हैं तो 91 का जब स्क्वायर करेंगे तो 90 का स्क्वायर करेंगे, 8100। 91 का स्क्वायर करेंगे तो 91 का स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 90 का स्क्वायर करना चाहिए प्लस 90+91 करना चाहिए। अभी 90 का स्क्वायर सोचो, 8100, 8100, 90+90, 180, 8100 में 180 को ऐड करते, सोचना है एकदम मन की आंखों से, देखो
1100 में 180 को ऐड करते, 1100 में 180 को ऐड करते हैं, 180 को ऐड करते हैं तो 8280 होता है, यानी 8280 एंड 1 हमने ऐड नहीं किया था, 8281। ओके, समझ में आ रहा बात आपको। 121 का स्क्वायर करते हैं, 120 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। हम किसी भी तरह सोच सकते हैं, 14400 सोच सकते हैं, हम 144 सोच सकते हैं, ठीक है। और 120 में अगर हम 121 को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा हमारा 241। अब 14400 में अगर हम 241 को ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो 14641 होगा। समझ पा रहे हैं? इसे हमें एक लाइन में ही जोड़ना पड़ेगा, 120 का स्क्वायर 14400 और 120 प्लस 120 तो 240 हुआ, तो 14400 में 200 को ऐड करते 146 146 एंड 41। ये सोचने का तरीका। अगर हम 241 का स्क्वायर करते हैं, 241 का स्क्वायर करते हैं तो 240 का स्क्वायर प्लस 240 प्लस 241 ऐसा करना पड़ेगा। अभी 240 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 576 होगा। आप हिंदी में सोच सको, इंग्लिश में सोच सको, जिसमें भी सोच सको आप सोचो, लेकिन तो 576 और 240 को ऐड करते हैं 480, तो 576 में 400 जोड़ो, 576 में 400 580 और 40 80 आया था, तो 580 आया, यानी 81 चल। यहां पर मैं फिर से आपको दो जोड़ के दिखाता हूं, 240 241 का मतलब होगा 481 और 481 को अगर हम 600 में ऐड कर देते तो 600 प्लस 400 मिलके 1000 बनाएगा, यानी 57000 बन जाएगा, 58000 और 80 प्लस 81 मिलके हो जाएगा 80 40 प्लस 41 81 81। समझ पा रहे बात को? तो ये था वैसा संख्या जिसका यूनिट डिजिट 1 हो तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है। ये आपको अगर समझ में आ गया तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जरूर है कि यह आपसे अब बनना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 81 का स्क्वायर है, 81 का स्क्वायर हमने नहीं लिखा, 81 का स्क्वायर कैसे सोचेंगे, 80 प्लस 81 80 प्लस 81 161 और 161 को हमें किस में ऐड कर देना पड़ेगा, 6400 में, तो 6561 हुआ इसका आंसर, 6561 हुआ आंसर। समझ पा रहे बात? तो ये था हमारा यूनिट डिजिट 1, ठीक है। अब यूनिट डिजिट अगर 5 हो किसी का, तो उसका कैसे हम लोग क्यूब करते, उसका कैसे स्क्वायर करते हैं, उसे भी आप समझ लो। अगर यूनिट डिजिट 5 हो किसी का तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, थोड़ा जल्दी में समझना। 25 का स्क्वायर करते हैं, 35 का स्क्वायर करते हैं, 65 का स्क्वायर करते हैं, 125 का स्क्वायर करते हैं, 145 का स्क्वायर करते हैं, 225 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब देखो 25 का अगर स्क्वायर करना है तो करना आपको क्या है, 5 का स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर 25 और ये जो 2 बचा इस 2 को सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2+1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो 2 बचा 5 से पहले जो संख्या बचता है उसको सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 2+1 यानी 625, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 35 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 3 को सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 4 यानी 12, तो 3 × 3+1 यानी 4, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1225। अभी आपको सोचने के लिए आ गया, समझ में ये बात आ गया, तो अब इसको सोचना है और जल्दी बनाना है। 5 का स्क्वायर 25 होगा और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 7 = 42 होगा, यानी 4225 होगा, ठीक है। 125 को करना है स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, अभी 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं आता, मैं सब के बारे में आपको सिखाता हूँ।
12 को 13 से मल्टीप्लाई करना, कभी भी सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई करना रहे, सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई करना रहे, जैसे देखो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 12 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे सक्सेसिव नंबर का मतलब तो 12 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। तो 12 गुना 13 करने का मतलब 12 गुना 12 प्लस 1 यानी 12 का स्क्वायर, और 12 गुना 1 का मतलब हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 12, 12 का स्क्वायर सोचो 144, और 144 में 12 ऐड कर देते, 144 में पहले 10 ऐड करो, 100, 154 प्लस 2 156, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। कभी भी किसी को सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं वो मैं आपको एक तरफ से बता देता हूं। देखो ध्यान से, अगर 13 को हमें 14 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो 13 का स्क्वायर प्लस 13 कर दो, या नहीं तो 14 का स्क्वायर माइनस 14 कर दो, छोटा नंबर का स्क्वायर करके छोटा नंबर ऐड कर दो, या 12 नंबर का स्क्वायर करके 12 नंबर माइनस कर दो। 12 का अगर स्क्वायर करोगे तो माइनस करना है, छोटा का स्क्वायर करोगे तो प्लस करना है। क्यों करना है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। तो 13 गुना 14 का मतलब होगा 13 इंटू 14 का मतलब होगा 14 को 13 प्लस 1 बोल सकते हैं हम लोग, 14 को हम लोग 13 प्लस 1 बोल सकते हैं, जबकि अगर 13 को 14 के रूप में बोल रहा हो तो 14 माइनस 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर 13 प्लस 1 करेंगे तो 13 का स्क्वायर प्लस 13 हो जाएगा, जबकि 14 माइनस 1 करेंगे तो 14 का स्क्वायर माइनस 14 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो कोई भी एक काम कर लो, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 प्लस 13, 10 को ऐड करते हैं 79 और 3 ऐड करते हैं 182। अभी 14 को करना है 15 से मल्टीप्लाई, 14 को करना है 15 से मल्टीप्लाई। देखो स्क्वायर हम लोग सीख रहे हैं, साथ साथ मल्टीप्लीकेशन भी हम लोग सीख रहे हैं, कैलकुलेशन का पार्ट सीख रहे हैं। तो 14 को करना है हमें 15 से मल्टीप्लाई, तो क्या करते हैं, या तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 कर दो। देखो यहां पर हम तीन तरह से करेंगे, 14 का स्क्वायर प्लस 14 कर दो, या 15 का स्क्वायर माइनस 15 कर दो, या जहां देखे पांच, जहां दिखे पांच कर दो डबल, दो से मल्टीप्लाई, जहां दिखे पांच कर दो, दो से मल्टीप्लाई। 14 गुना 15 है, तो इस 14 गुना 15 को हम लोग 14 को आधा करते हैं तो हो जाएगा 7, और उस दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से तो हो जाएगा 30। देखो ध्यान से, 14 को हमने हाफ किया, 14 को हमने हाफ किया, दो से डिवाइड किया, तो जब दो से डिवाइड करेंगे तो दो से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो दो से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 15 में, तो 15 बन जाता आपका 30, तो 7 इंटू 30 हो जाएगा आपका 210। समझ पा रहे, 14 का स्क्वायर 196, और 196 में हम 14 को ऐड कर देते, पहले 196 में 4 को ऐड करो, 196 में 4 को ऐड करो, 200 प्लस 10, 210, ठीक है। ये 14 गुना 15 था, इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं तो 15 गुना 16 देखते जाओ, 15 गुना 16, तो 15 गुना 16 कैसे करेंगे, तो ये ज्यादा बेटर है, जहां पे 5 दिखे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए। तो हम ऐसा करते हैं, इस 15 गुना 16 को 15 को डबल करते हैं तो 30, और 16 को आधा करते हैं तो 8, तो 30 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, समझ पा रहे बात को। या 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 ऐड कर देंगे तो 240 आ जाएगा। अभी 16 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 का स्क्वायर प्लस 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और 256 में पहले 6 को ऐड करो 262, फिर 10 को ऐड करो 272, ये हो जाएगा 272, समझ पा रहे हैं। इसी तरह से आपको क्या करना है, सक्सेसिव नंबर 12 गुना 13 से लेकर के 18 गुना 19 तक भी अगर आप याद रखते हैं, याद क्या रखना है, वो हो जाएगा आपसे खुद ब खुद, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहां पर देखो स्क्वायर हम लोग सीख रहे हैं, यूनिट डिजिट 5 वाला स्क्वायर सीख रहे हैं, तो हम लोग इसको सीख लेते हैं और मल्टीप्लीकेशन का कुछ और भी रूल सीख लेते हैं जबरदस्त तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया, 125 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 12 गुना 12 प्लस 1 करते हैं तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 यानी 156, 125 ये हो जाएगा। 145 का स्क्वायर करते हैं
तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 14 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 14 को 15 से करो या 7 को 30 से करो। तो 7 को जब हम 30 से करते हैं तो 210 आता है। 210 25, 225 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और फिर 22 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, और उसमें हमें 22 को ऐड करना है। 484 में 22 ऐड करना है, 484 में पहले 16 ऐड करो, संख्या को राउंड फिगर में लेके आओ, 484 को आप 16 ऐड करो तो बन जाएगा 500, जबकि हमें ऐड करना था 22, हमने सिर्फ ऐड किया 16, यानी अभी भी 6 बचा हुआ है, तो 506 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अभी यहाँ पर 22 आया, तो एक और भी मैं तरीका आपको बताता हूँ। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूँ। अभी किसी भी संख्या को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी संख्या को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको भी सीख लो। तो 22 को 23 से भी मल्टीप्लाई हम लोग जल्दी से कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या को, कोई टू डिजिट का संख्या हो, उसको हम लोग 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सीख लो। 11 को थोड़ा उससे अब बड़ा चलते हैं, जैसे 3, 4, 5, 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को हम लोग 5, 4, 3, 2, 8 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा इसे सीख लेते हैं हम लोग, ठीक। चलो स्क्वायर के क्रम में ही हम लोग मल्टीप्लीकेशन भी सीखते जा रहे हैं। तो 27 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों संख्या को हटाओ, इस दोनों संख्या को हटाओ, और फिर इस दोनों संख्या के बीच में इस दोनों संख्या को सटाओ, यानी 7 + 2 मिलके हो जाएगा 9। दोनों संख्या को दूर हटाओ और दोनों संख्या को ऐड करके बीच में लिख दो। 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो 4 और 3 मिलके क्या हो जाएगा, 7। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां तो एक ही डिजिट में आ रहा, अगर दो डिजिट में आता तो क्या करते, तो वो मैं अभी तुरंत बता रहा हूं। पहले 3452 को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं 11 से। तो यूनिट डिजिट ज्यों का त्यों रखो, यूनिट डिजिट ज्यों का त्यों रखो, 2 में फिर क्या करना है, 1 2 बार आ रहा है तो 2 2 करके रिपीट ऐड करते जाओ, 5 2 7, 5 + 2 7, 5 + 4 9, 4 + 3 7, और लास्ट में क्या बचा, 3, ठीक। फिर से देखो, 8 8 8 + 2 10, तो 10 का 0 कैरी किया 1, 2 + 3 5, 5 + 1 हो जाएगा आपका 6, अभी कुछ भी कैरी नहीं किया, 4 + 3 7, 5 + 4 9, और लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ 5, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। अब यहां पर टू डिजिट का अगर कोई संख्या रहता है, जैसे ऐसा दिया हुआ रहता, 47 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस बार तो ऐड करेंगे, 7 4 11 हो जाएगा, यानी इस बार कैरी करेगा, तो कैसे लिखेंगे, 7 7 7 4 11, कैरी किया 1, और 4 में 1 को ऐड करके लिख दो 5, 517, ठीक। जैसे लिखा हुआ 89 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, 9, और 9 + 8 9 8 17, 17 का 7 बच गया 1, 8 + 1 हो जाएगा आपका 9 979, ठीक है। तो जब 11 से कर सकते हैं तो 22 से भी तो कर सकते थे ना। अब देखो, 11 से आपको समझ में ये आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा 11 से। तो जब 11 से आपने समझ लिया तो 111 से भी समझ ही लो, झंझट ही खत्म करो। अब 111 से किसी संख्या को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी संख्या को 111 से, वो भी समझ लो। मल्टीप्लाई बाय 11 हमने देख चुका, और 111 हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो, 2 3 4 5 इसको मल्टीप्लाई करना है 111 से, 4 3 5 6 इसको मल्टीप्लाई करना है 111 से, ठीक है, 2 7 8 3 4 5 इंटू 111 करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 111 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार एक रिपीट कर रहा है 3 बार, एक रिपीट कर रहा है 3 बार, कितने बार, 3 बार,
तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, फाइव, देखना ध्यान से कैसे लिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लिखते हैं इसे। इसे हम लोग को करना क्या है, सिर्फ पहले लिखना है पाँच, पाँच लिख दिया हमने, फिर पाँच प्लस चार, पाँच प्लस चार, पहले एक डिजिट हमने लिखा वन डिजिट, और फिर दो डिजिट को ऐड करते हैं, पाँच प्लस चार नौ, ठीक है। और एक तो तीन बार है, तो पाँच चार नौ तीन बारह, बारह अभी कैरी किया वन, अभी तीन का रिपीटेशन पकड़ में आ गया, तो अब ये तीन का रिपीटेशन थोड़ा और आगे बढ़ेगा, तीन का रिपीटेशन, अब तो इसके बाद तो है भी नहीं तीन का, तो फिर दो पे आएगा और फिर एक पे आएगा, अकेला रहेगा। देखो पाँच हमने लिखा, पाँच प्लस चार हमने लिखा, पाँच प्लस चार प्लस तीन हमने बारह लिखा, यानी दो बचा एक, अब चार तीन सात दो नौ, चार तीन सात दो नौ, और एक जो बचा हुआ था उसमें हमने ऐड किया नाइन में, तो टेन हो गया, फिर से कैरी किया वन, अब तीन दो पाँच, तीन दो पाँच, पाँच एक छः, कुछ कैरी नहीं किया, अब अकेला फिर क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, समझ पा रहे बात को। 111 से मल्टीप्लाई करते हैं 4356 को, तो कैसे लिखेंगे, सिक्स सिक्स, सिक्स प्लस फाइव इलेवन, यानी वन, बचता क्या मेरा एक, लेकिन एक तो यहाँ पर तीन बार है, एक बार दो बार तीन बार, तो तीन का रिपीटेशन हमको पकड़ना हमेशा, तो छः पाँच ग्यारह का एक बच गया हमारा एक, छः पाँच ग्यारह, ग्यारह तीन चौदह, चौदह एक पंद्रह, फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन, बचा फिर से एक, ठीक है, ऐसा हमने किया था। अब क्या करना है, ये तीन का रिपीटेशन खत्म होगा, पाँच तीन आठ चार बारह, बारह एक तेरह, एक बचा हुआ था हमारा, फिर बचा एक, चार तीन सात, सात एक आठ, और फिर से अकेला अभी चार आ जाएगा, चार। 111 से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट एग्जांपल है 111 से, पाँच कैसे करते हैं, पाँच, पाँच चार नौ, पाँच चार नौ तीन बारह, बच गया हमारा एक, अब रिपीटेशन को पकड़ो, चार तीन सात आठ पंद्रह, पंद्रह एक सोलह, बचा एक, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह सात अट्ठारह, फिर से बचा था एक, तो अट्ठारह एक उन्नीस, बच गया एक, आठ सात पंद्रह, पंद्रह दो सत्रह, एक बचा, सत्रह एक अट्ठारह, फिर से बचा एक, सात दो नौ एक दस, फिर से बचा एक, दो एक तीन, तो ये हमारा हुआ आंसर। तो 111 से आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए भी आपको आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बनाओ, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दे 8.8 इंटू 8.88 इंटू 88, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सोचो कैसे बनाना है, सोच लिए, बस इतना देर में ही, गुड। चलो अभी देखो यहाँ पर, तो 8.8, 8.88 और 88 है, कुछ लोग क्या किए, देखो देखो भाई साहब को क्या किया, बगल वाला को, कुछ लोग क्या किया, इसको कर दिया 8 कॉमन ले लिए, क्या किए 8 कॉमन ले लिए, इसको किए ये 1.1 इंटू 1.11 इंटू 11 कर दिए, खुश हो गए, भैया ये तो गड़बड़ है ना, कॉमन तो तभी लेंगे जब बीच में प्लस का साइन रहे, और प्लस का साइन तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। तो करना क्या है, यहां पे लिखना है 8 इंटू 1.1 इंटू 8 इंटू 1.11 इंटू 8 इंटू 11, और हमने किससे सीखा है, 11 से गुना करना और 111 से गुना करना हमने सीखा है, 11 से गुना करना और 111 से गुना करना हमने सीखा। तो बाकी सारे को हम क्यों रखें, बाकी सारे को पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, बनता है 512, यानी 8 का क्यूब हो जाएगा 512, और 512 को अब हमें मल्टीप्लाई करना, अभी दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को, डेसिमल को अभी भूल जाओ, बाद में जब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो बाद में जैसे ही आंसर आएगा तो हम लोग फिर दशमलव डिजिट को गिन करके लिख लेंगे। तो अभी पहले हमें 512 से 11 से मल्टीप्लाई, पहले इसे 11 समझ लो, 11, 111, और इसे क्या समझ लो, 11। तो सोचो 11 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा टफ है या 111 से, थोड़ा सा ज़्यादा टफ है 111 से मल्टीप्लाई करना। तो 512 को पहले हम लोग 111 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 11 से, फिर 11 से,
तो पहले हम इस 512 को 111 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कैसे होगा। 2 2 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 5 8। ओके, ये तीन का रिपीटेशन प्रक्रम में भी आ गया, और फिर लास्ट में आएंगे 5 1 6 और फिर 5। अभी इस 111 से हो गया, अब इस 11 से मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो कैसे करते हैं, 2 2 प्लस 3 5, 8 3 11 का 1 11 का 1 कैरी किया 1, 8 प्लस 6 मिलके हो जाएगा 14 14 प्लस 1 जो कैरी किया हुआ था 15, बचा फिर से वो हमारा 1, 6 प्लस 5 6 प्लस 5 11, एक जो बचा हुआ था उसको ऐड कर दो 12, फिर से बचा 1, 5 प्लस 1 यानी 6। अब फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 1 6, 5 1 6, 5 2 7, 6 2 8, 6, ऐसा हो गया। अभी सबसे सारा मल्टीप्लाई हो चुका, अब दशमलव गिन लो, देख लो 1 2 1 2 3, टोटल डिजिट गिन लो कि कितना डिजिट पहले दशमलव है। तो 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, तीन डिजिट पहले दशमलव रख दो, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, क्या ये ध्यान में रहेगा? चलो गुड, बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ। तो जैसा कि हमने अभी सीखा, 5 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाएगा। ठीक है, स्क्वायर के बारे में थोड़ा बेस मेथड को भी हम लोग समझ लेते हैं। बेस मेथड, अगर बेस 100 हो रहेगा, 50 रहेगा, 1000 रहेगा और 500 रहेगा, तो हम लोग कैसे उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो बेस अगर हमारा 100 रहेगा, तो देखो ध्यान से, पहले हम बेस 100 को लेकर के बनाते हैं। जैसे 93 का स्क्वायर करना है हमें, 94 का स्क्वायर करना है, 88 का स्क्वायर करना है, उससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 104 का स्क्वायर करना है, 107 का स्क्वायर करना है, 112 का स्क्वायर या 113 का स्क्वायर करना है। ध्यान से देखना, जल्दी समझने का कोशिश करना। 93 का अगर स्क्वायर करना है, बेस पहचानो 100 है, चेक करो कि 100 से यह कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से यह 7 कम है, 100 से 7 कम है, तो 100 से 7 का डबल कम करो, 100 से 7 कम है तो 100 से 7 का डबल यानी 14 कम करो, तो 14 कम करोगे तो आएगा 86। 7 कम है, हमें क्या माइनस करना है, 14 यानी डबल हमेशा माइनस करना है या डबल हमेशा प्लस करना है, तो 86। अभी दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा बेस से मल्टीप्लाई करने का, तो दूसरा स्टेप बेस से मल्टीप्लाई करना यानी 100 से मल्टीप्लाई करना। तो 86 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते, 8600, और जो ये कम है, 7 कम है तो 7 का स्क्वायर ऐड कर दो, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 94 का स्क्वायर, 6 कम है, 12 कम करो, 100 से 6 कम है, 12 कम करो, 8800, और 6 जो कम है तो 6 का स्क्वायर लिख दो 36। ठीक है, 88 का स्क्वायर, 12 कम है, 24 कम करो, 7600, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो 144 यहां पे तो 7600 है और 144 जब ऐड करेंगे तो 44 तो यहां आ जाएगा लेकिन एक यहां पे ऐड होगा यानी 7744। ठीक है, अभी 104 क्या है, थोड़ा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है तो हम 8 बड़ा करेंगे, डबल बड़ा करेंगे हमेशा, तो 4 बड़ा, 4 का डबल 8 यानी 108, और 4 का स्क्वायर 16। बेस से मल्टीप्लाई करने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना यानी 100 हो जाएगा, और 16 ऐड करेंगे तो इस दोनों ही जीरो के जगह पे ये हट जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। 107 है तो 7 का डबल करते हैं 114, और 7 का स्क्वायर करते हैं 49। 113 है, 13 का डबल करते हैं 26, 126, और 13 का स्क्वायर करते हैं 169, तो अभी क्या हो जाएगा ये 127, 69। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दो, बेस मेथड हम लोग सीख रहे हैं 100 के आसपास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 1000, 50, 500 के आसपास, और 2 डिजिट 3 डिजिट का कैसे करते हैं, और क्यूब सीखेंगे, और क्यूब सीखने के बाद हम लोग
स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी सीखेंगे और कुछ मल्टीप्लिकेशन का रूल सीखेंगे, उसके बाद हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट होगा और फिर हम लोग आएंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।